ये भैया तू लोग यहाँ कहे बैठल बा गर्मी में हो, का बात है? सर विद्यालय में 6, 7, 8, 9, 11 का एडमिशन बंद कर दिया गया है। इस विद्यालय को बेचने की पूर्ण रूप से साजिश हो गई है निजीकरण करने का। इसमें सबसे गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। हमारी मांग है कि पुनः इस विद्यालय में एडमिशन लिया जाए और एडमिशन फार्म दिया जाए ताकि हम सब जितने भी गरीब घर के बच्चे हैं इस विद्यालय में पढ़ने में सफल बनाए, और यही हमारी एक मांग है। अच्छा, मान लो तुम्हारी मांग न मान गई तो क्या करबा? हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो मैं CGM साहब के पास, DM साहब के पास अपना फिर से धरना देंगे। अगर धरना देने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ तो हम आत्मदाह करने का पूर्ण रूप से जो है कि प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुलेंद्र कुमार भारती सर। आत्मदाह कह देवे? जी सर, कर देंगे। सर मेरा भविष्य का सवाल है सर। अगर हम आत्मदाह से अगर इस विद्यालय का उज्ज्वल भविष्य अगर हम भाई बहनों के लिए अगर बढ़ता है तो ये सुना, कानूनन आत्मदाह करब अपराध है ना? आत्मदाह जी करला मतलब आत्महत्या जी करला वो अपराध है। तो ये हम ना कब तुम लोगों से कबो कि काम करब? तो सर हमारी मांग पूरी कर दी जाए, हम ये धरना खत्म कर देंगे, प्रदर्शन जो हमारा है खत्म हो जाएगा, या कोई उच्च अधिकारी आके हमसे बात कर ले। अच्छा, आपका नाम चंदू है? अच्छा, और आपका? विकास कुमार। आप ना करवाए आत्मदान? आत्मदान हम भी करेंगे सर। तुम करवा? जी। अरे यार, ये लोग मनते नहीं हो, कैसे मन बैलो यार। आप ही बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए, बताइए आप ही बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए। नहीं देखो, ये विद्यालय सोनभद्र का एक ऐसा विद्यालय है जिसमें सबसे गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, दिहाड़ी मजदूर, ये पूंजीपति वाले घर के इसमें नहीं पढ़ते हैं। आप रजिस्टर उठा के भी देख सकते हैं कि इसमें किस कास्ट के, किस जात के, धर्म के बच्चे ज़्यादातर हैं। और इस विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा तो हम लोग की भविष्य खराब की जाएगी। तू समझेगा ना कि आत्मदाह न करें? तू ना समझेगा? पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आत्मदाह ना करें। सोनभद्र का जिला जो है अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए सबसे प्रथम स्थान पर आता है, जो सोनभद्र का जिला है जिसमें अनुसूचित जाति के सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए ताकि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं वो कहाँ पर जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो किसके यहाँ जाएंगे? वो DAV में फीस नहीं भर पाएंगे ना? वो 1600 DAV का फीस है। अगले वर्ष भी मैं धरना प्रदर्शन किया था जिसके पूर्ण रूप से इस कार्य को बंद कर दिया गया था, और इस वर्ष फिर चालू कर दिया गया। हमारी यही मांग है कि जो है कि विद्यालय में पुनः एडमिशन हो, उच्च अधिकारी आके हमसे बात करें और हमारे मांगों को पूरा करें। जो विद्यालय DAV का सर आप देख रहे हैं उस विद्यालय में भी हम लोग पढ़े हैं। आज उस विद्यालय को जो है कि निजीकरण करके प्राइवेट कर दिया गया है, उसमें पूंजीपति वाले और धन पशु के बच्चे पढ़ते हैं। हम जैसे गरीब और हमारे माता पिता गरीब हैं, मेरे माता पिता के इतनी औकात नहीं है कि हम इतने फीस में जो है कि हम सबको पढ़ा सकें। यही हमारी मांग है सर। अगर पूर्ण रूप से अगर हमारी मांग नहीं पूरा हुई तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आत्मदाह करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। ये भाई और इसका जिम्मेदार ओबरा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और ओबरा परियोजना के CGM और DM और SDM होंगे। देखो भाई, हम तो यह कहते तो लोगों से कि काम आत्मदाह मत करिया। माननीय मीडिया साहब से मेरा अनुरोध है कि इस बात को जो हम सब छात्र छात्रा कह रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से आप कष्ट करें। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं। नहीं, आप लोगों की बात थोड़ी देर में ही ऊपर तक पहुँच जाएगी। हम लोग पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है। इंकलाब 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 इंकलाब।
भाग बचा है, अगले वर्ष लड़ाई लड़े थे पूर्ण तैयारी हो चुकी है बचने के लिए, और इस वर्ष हम लोग लड़ाई लड़े ताकि वो भी भाग हमारा जो था वो भी हमको मिल जाए और पूर्ण रूप से ये निजीकरण और प्राइवेट ना हो, इसको बेचने की साजिश ना करें। ये मेरा पुनः जो है कि बात आप उच्च अधिकारी तक पहुँचाने का महोदय आप कष्ट करेंगे, यही हमारी मांग है। जिसमें 1600 फीस देने के लिए हम लोग के परिजन का औकात नहीं है कि इस विद्यालय में इतना फीस दें और बच्चों को पढ़ाएं, कि वो दिहाड़ी मजदूर हैं। पापा हमारे मजदूर हैं, नोट घर पे नहीं छपती है, नोट नहीं छपती है घर पे, यहाँ पूरे दिन भर 24 घंटा पर 8 घंटा अगर मेहनत करेंगे तब पैसे पाते हैं, तब जाके इस विद्यालय में फीस दी जाती है, तब पढ़ते हैं। ज़्यादातर बच्चों के पास तो कापी किताब नहीं है, दूसरे भाई बंद से मांग के पढ़ते हैं। इस विद्यालय में वो स्थिति है बच्चों की, उज्ज्वल भविष्य अगर बढ़ जाता है तो इसके लिए हम तैयार हैं। यह आश्वासन ये दिए कि सीजीएम साहब के द्वारा एडमिशन बंद कर दिया गया है, ऊपर से अधिकारियों का दबाव हमारे ऊपर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी कारणवश मैं फॉर्म नहीं दे रहा हूँ। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज, ओबरा सोनभद्र, विषय सभी कक्षाओं के लिए जाए प्रवेश। महोदय, अपने कक्षा 6, 9, 11 में नए प्रवेश हेतु आवेदन पत्र न देकर रोक लगा दी गई है, जो अत्यंत निंदनीय है। 1964 में स्थापित राजकीय जूनियर हाई स्कूल उच्चीकृत होकर ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में स्तुत्य सेवाएं दी हैं, जिसका गौरवशाली इतिहास में हम सभी वाकिफ हैं। शिक्षकों की कमी को आधार बनाकर ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज को बंद करने की साजिश है। जब कभी भी परियोजनाएं स्थापित होती हैं तो आसपास के जनता के लिए हितों में कॉलेज, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, पौधरोपण आदि की बड़ी बड़ी घोषणाएं जन सुनवाई में स्वीकारी जाती है। ओबरा में पहले से एबी थर्मल परियोजना स्थापित है, अब थर्मल किसी परियोजना से भी बिजली उत्पादन होने लगेगा। क्षेत्रीय जनता इस परियोजना से उत्सर्जित विभिन्न प्रदूषण वायु, जल, मृदा, ध्वनि आदि से कवलित हो गए रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ऊर्जा मंत्रालय के उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज में नए प्रवेश नहीं लेने के पर क्षेत्रीय अभावग्रस्त, निर्बल, कमजोर, आदिवासी, SST, ST आदि के विद्यार्थियों पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। नागरिक असुविधाओं के कारण ही सोनभद्र उग्रवाद के चपेट में भी आ रहा है। ओबरा में नगर सहित आसपास के करीब 4 दर्जन गांवों के बच्चे कम पैसे में पढ़ते आ रहे हैं। ओबरा में कोई राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज भी नहीं है जिसमें बालक बालिका एक साथ पढ़ सकें। हम सभी को अंदेशा है कि अरबों की संपत्ति वाले ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज की निजी घरानों को देने की गंभीर साजिश चल रही है, जिसका हम सभी प्रबल विरोध करते हैं। ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज की सभी कक्षाओं में पूर्व की भांति प्रवेश लिया जाए और एडमिशन हेतु प्रवेश आवेदन पत्र वितरित किया जाए। सब सब लोग चलिए गेट पर।
नाम वाला है कुल मिल जाए कोई ऐसा सर आदेश हो तो हम लोग को दिखा दीजिए। मना किए हैं कि लेटर का जवाब आएगा तो एडमिशन चार्ज दीजिएगा। ठीक, एडमिशन लेने के लिए मना कर दीजिए। आदेश अभी नहीं है, लिखित आदेश नहीं है, मौखिक काम कर। अंकुर सिंह से कहिए ना,
सचिव वही ना है, आप क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं? आप अंकुर सिंह को कहिए, यहाँ आप आइए, यहाँ लड़के मुझे घेर रहे हैं सब। सर जी दो मिनट के लिए आ जाइए, लड़के मांग कर रहे हैं। लेटर मांग कर रहा है। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। लड़के बहुत गहरे हैं, पत्रकार भी आए हैं, पत्रकार बंधु भी आए हैं, तो क्या किया जाए? एडमिशन बंद है, एडमिशन बंद है जो हो गया है, इसलिए आए। एडमिशन एडमिशन न्यू एडमिशन मुख्यालय से आदेश है सर, तो सब लिखित मांग रहे हैं कि कोई तो आदेश तो दीजिए। एडमिशन चालू हो जाता नया सत्र से, 1 अप्रैल से हो जाता सर। नहीं तो एडमिशन कैसे बंद करें हम लोग, तो मैंने ओरल है आके आप थोड़ा आप आ जाएंगे, आप हमारे यहाँ सचिव हैं, बच्चों से पत्रक लेना है सर। नहीं बुला लो, अभी भी आवाज नहीं आई है, अभी लोग छेके हुए, अभी 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 आवाज आई है। अरे तो अभी क्या बोल दे रहे हैं, तो मान नहीं रहे ना अभी। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अपना प्रयोजना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना प्रयोजना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षकों की भर्ती हो, भर्ती हो, भर्ती हो। शिक्षकों की भर्ती हो, भर्ती हो, भर्ती हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनके बारे में बहुत सरकार आए हैं, सरकार बंधु आए, बहुत लोग छिके हैं। सब लोग बैठिए, बैठिए, बैठिए। क्या रहे नारा बजे लगे, मांगे पूरी हो, पूरी हो। जारी रखा जाए, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अपना प्रयोजना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना प्रयोजना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षकों की भर्ती हो, भर्ती हो, भर्ती हो। शिक्षकों की भर्ती हो, भर्ती हो, भर्ती हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीजीएम सुनते नहीं, मतलब अगले बार भी आई जब हुआ था 1 साल पहले, तो हम लोग गए थे, वो बात नहीं करते ना, बात करते हैं, फोन करें, फोन में उठा रहे हो क्या? अधिकारी के पास और जो भी अधिकारी हो, सीजीएम साहब हो, डीएम साहब हो, सीजीएम हो, डीएम हो, उनके पास भी धरना देने के लिए तैयार हैं। हम लोग का यह ऐसा विद्यालय है जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा गांव के बच्चे पढ़ते हैं, और इसमें एससी एसटी और दलितों के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। रजिस्टर उठा के जो भी अधिकारी है वो देख सकते हैं कि यहाँ कितने गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। यह हमारी मांग है, पूर्ण रूप से हमारी यह मांग है कि एडमिशन लिया जाए। अब आपको नहीं मालूम है, 738 बच्चे एससी के पढ़ते हैं, एससी एसटी के, हम खुद दे आए हैं सब।
जी। सबसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, सब लिख के आए हैं हमने, हमसे जितना होता है उतना हम खा चुके हैं ना। यही पर नीति सर अगले वर्ष भी था जिसमें हम लोग विरोध प्रदर्शन किए थे, डीएवी जो है कब्जा कर रही थी, तो फिर जो है कि एक वर्ष सर आप हम लोग थे कि नहीं, और इस बार जो है क्लियर हुई जिसमें सबसे कम पढ़ाया जाता है बच्चों को, और ऐसा कोई विद्यालय सोनभद्र में नहीं है ऐसा है कम पढ़ाया किसी ना किसी को कोई जिम्मेदार बात कर लिए, हम लोग मंडे को बात करने के लिए तैयार है। कल मीटिंग है लखनऊ में, लखनऊ को बाद ही बात करेंगे। अभी कोई नहीं आ रहा, किसको बुलवा? ठीक है सर, तब हम लोग नहीं रहते हैं। नहीं नहीं हम पेड़ नहीं दिए, हम खुद लड़ाई में कर लिए। सर एडमिशन लीजिए तब क्या क्या दिक्कत है? एडमिशन बंद कर दीजिए। क्यों बंद किया उसका रीजन बता दीजिए। बंद करने का रीजन सबको तब जब तक सर उच्च अधिकारी ये हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा, और हम लोग आपका जो है की कैंपस छोड़ के नहीं जाएंगे बाहर। भैया हम जहाँ आगे जाओ ना, आगे बढ़ो ना, कहाँ जाएंगे? अरे सीजीएम जिम के मैन जो आप जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार नहीं सर, आप जिम्मेदार हैं क्या? तो सर आप यहाँ के हेड हैं, आप उसको बताइए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं सीजीएम साहब के जो है कि आवाज पे जाके या उनके जहाँ पे उनका कार्यालय वहाँ आत्मदाह भी करने का प्रयास करेंगे। ये छात्र छात्राएं इतना पूर्ण रूप से इस कॉलेज में भी हम तैयार है करने के लिए। किसी भी तरीके का अगर जो है कि हम लोग को दिक्कत पहुंचा या हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ तो हम लोग ये जो है कि कार्य करने के लिए बाधित होंगे। इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन, प्रोग्राम प्रधानाचार्य, सीजीएम साहब ये जिम्मेदार होंगे। जीएम साहब और एसडीएम जीएम से बात करो। अरे आप लोग से अधिक हम चिंतित है ना, लिखित 34 साल हमारा भी खून पसीना इसमें लगा, 34.5 साल यही बात नहीं है सर, बच्चों आप से अधिक दुखित है मैं, नहीं जानिए। सर आपको जो उच्च अधिकारी मना किए हों वो आप जो है कि उनके नाम से लिखित दे दीजिए कि वो अधिकारी जो है कि मना किए हैं बच्चों का एडमिशन इस तरह से नहीं होगा। सीजन सर बताए कि अभी वो मुख्यालय से मांगे हैं वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं, जैसा मिलेगा दिशा निर्देश उसका काम करेंगे। सर पूर्ण रूप से यही साजिश रची जा रही है कि यहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, इसी कारणवश ओबरा इंटर कॉलेज को बंद किया जा रहा है। इसकी मांग अगले वर्ष भी हम लोग किए थे जिससे जो है कि एक वर्ष शांतिपूर्वक रहा, फिर जैसे ही इस वर्ष बीता उसके बाद फिर ये प्रवृत्ति चालू हो गई कि 6, 7, 8, 9, 11 के बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। बताइए सर, ये हमारा ऐसा विद्यालय है कि हम लोग जो है पढ़ने के लिए आते हैं, सबसे गरीब घर के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, पूंजी पत्र वाले नहीं है, सब मजदूर और दिहाड़ी मजदूर के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग सीजीएम से बात कर लीजिए। ये आप रिटर्न दे दीजिए ना, दवाई की बात क्या बात क्या बात होगी फिर मंडे को होगा कि नहीं मिलेंगे मंडे को बाद देखा जाएगा। हम नहीं दे पाएंगे कुछ नहीं दे पाएंगे। आप सारी जानकारी नहीं तो आप क्या बात बोलते हैं, क्या लिखते थे आप? तो कैसे मतलब इसी तरह बच्चे चले जाएं? बच्चों को नहीं लिख रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं तुम खुद बात कर रहे हैं आप, लिख के दे लिख दे दिया। आपको जानकारी अच्छा करता बोला करें। नहीं नहीं सर सही कर रहे हैं वो, सही कर रहे हैं। आप सर जी दे दीजिए ना, मान लीजिए अधिकारी तो आप तो हैं ना। नहीं हम तो कह देंगे एडमिशन बंद है, सीधे खत्म है। सर हमारी मांग अब लिख के दे दी, हमारे ऊपर कंप्लेन कर देगा, नहीं हमारे पर विरोध कर देगा कि एडमिशन बंद कर दिए हैं विजय कुमार जी, प्रवेश फार्म नहीं दे रहे हैं, बस इतना कर सकते हैं ना, कर दीजिए करना है। अब
सर आपके कहने हैं, हम लोग कहने से हो जाएगा, बच्चों के भविष्य की बात है सर। तो हम कह रहे हैं ना कि हम प्रदर्शन नहीं दे रहे हैं, सर लिख दे दिए कोई आदेश ऐसा लिखित नहीं, हम देख कर रहे हैं ना कि आप परेशान नहीं है। आप कह रहे नहीं देंगे, हम आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे तो वो लोग करें, आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, कौन आया, कोई आया, कोई नहीं आ रहा, हम क्या करें हम लोग सर, यही हमारा धरना आपके दीजिए, क्या करना रहेगा, जहाँ जाना है जहाँ डिमांड करना, आप लोग वहाँ जा नहीं रहे हैं। अब हम भी यहाँ पे हैं, हम लोग इसलिए ये ना कहने पाए कि हमको कोई लिखित जो है कि अब लिखित दे दिए ना, हमें कोई पत्र नहीं दिया, दे दिए, हम भेज देंगे ऊपर, तुरंत भेज दे रहे हैं, तुरंत हम फॉरवर्ड करके भेज दे रहे हैं, बस इतनी कर सकते हैं ना, हमारे पास उतना पावर नहीं भैया, जितना पावर है अपना इस्तेमाल कर लिया हमने, सबको फोन करके बुला ले, कोई नहीं है, आपके सामने सुन रहे, कोई आने तैयार नहीं हो रहा, तो सर ये सीजन साहब मना किए हैं कि ऑफिस का बाहर बैठे, ऑफिस नहीं, ऑफिस तो कोई ऑफिस हो है, ऑफिस बाहर जाना, कोई ऑफिस बाहर होता है, वो तो कांग्रेस का बयान लेना चला, कांग्रेस का विकास का बयान, आइए आइए, सारे स्टूडेंट आ जाइए।